सेंट बर्नार्ड में फीमेल। ओके ये फीमेल है, ओके इनर आगे देख लो। तो भैया कितने राउंड लगवा देते हो? दस राउंड लगवा देते। खेलना इनका शेड्यूल है। ओके ठीक है। ये प्रैक्टिस मतलब दोपहर में, क्योंकि वहाँ पे भी शो में जाएंगे तो धूप में करना पड़ेगा। में लगे। ओके ठीक कराते हैं। ठीक है। एक किलोमीटर उनका हेक्टर। ओए 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 देख लो काफी ज्यादा पर है। आज का जो व्लॉग होने वाला बड़ी शानदार, और बिकॉज इन दिस व्लॉग आई विल शो डिफरेंट काइंड ऑफ डॉग ब्रीड्स इन वन व्लॉग। फॉर एग्जाम्पल गाइज, साइबेरियन हस्की, लेब्राडोर, बेल्जियन शेफर्ड, जर्मन शेफर्ड और भी बहुत सारी ब्रीड्स आपको दिखानी है। और आपका भाई आया है गोल्ड माइन कैनल में भैया के पास, संजीव भैया के पास, तो मैं आपको भैया से मिलवाता हूँ। सो गाइस व्लॉग बहुत ही खास होने वाला है, एंड तक बने रहना। तो गाइस ज्यादा टाइम नहीं वेस्ट कर व्लॉग को शुरू करते हैं। इधर संजीव भाई आ गए, तो भैया कैसे हो? ये बढ़िया बढ़िया, आप तो भैया इंट्रोड्यूस कर दीजिए। ये मेरा बेटा है जी ईशान। ओके ईशान, हेलो, हाउ आर यू? ये कैनल दिया है और इसकी ड्यूटी लगाई है, इतने प्यारे प्यारे डॉग को संभाल। ओके सो भैया लाइक बता दीजिए हमें, सबसे पहले बताइए लाइक, मैंने इंट्रो में शायद मैंने मिस कर दिए डॉग ब्रीड्स। सबसे पहले डॉग्स बताइए कितने आएंगे आपके पास? डॉग मेरे पास 30-35 डॉग। 30-35 डॉग, ओके। और लाइक मैंने ब्रीड्स भी मतलब कम ही बोली है, ब्रीड्स लाइक बताइए कितनी आएंगी ब्रीड्स? ब्रीड्स सर लैब है मेरे पास, हस्की है, स्वॉर्ड है, चाओ चाओ है, सेंट बर्नार्ड है, अमेरिकन अकीटा है, गोल्डन रिट्रीवर है, बेल्जियम शेफर्ड है और भी कई ब्रीड। ओके मतलब काफी ज्यादा है गाइस, वो चेक करेंगे, मतलब मजेदार होने वाला है व्लॉग। ऑडियो से कह ही नहीं है गाइस, व्लॉग बहुत ही खास होने वाला है। मतलब ना एक व्लॉग में इतनी सारी डॉग ब्रीड्स आपको दिखानी, मतलब क्वांटिटी की बात नहीं है, क्वालिटी भी देखने को मिलेगी कि जो भी ब्रीड मेरे पास है वो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड को टच करती है। ओके ठीक है। और ऑलमोस्ट मेरे पास जो बच्चे हैं, सिर्फ ये नहीं कि वे इम्पोर्ट के बच्चे हैं, इसलिए मैंने बाय किया, उनका प्रॉपर स्टैंडर्ड। और मैं बताने के जो लोग मेरे को जानते हैं शोज में देखते हैं, तो अपने कुत्ते इसीलिए विन कर रहे हैं। ओके ठीक है, मतलब स्टैंडर्ड से ऊपर। ओके ठीक है, सो गाइस देखते हैं। सो गाइस है ना भैया ने है ना इधर है ना क्यूट सा समोयड निकाला है, चेक कर सकते हो गाइस, काफी ज्यादा प्यारा है। और भैया ये समोयड आ गया जी। और आपके पास समोयड बताइए कितने होंगे आपके पास? समोयड मेरे पास दो ही हैं, दोनों अलग अलग पेडिग्री से हैं। ओके, एक मेल है एक फीमेल है। ओके, है दोनों इम्पोर्ट ब्लड लाइन के, इम्पोर्ट रशिया की ब्रीड है ये। ओके, और इसके फादर मतलब दोनों रशिया से इम्पोर्ट थे और फादर इसका इंडिया चैंपियन भी था। अभी ये मतलब केसीआई चैंपियन है, अभी ये केसीआई इंडियन चैंपियन चैंपियन चार सीसी को लगी हुई है, ऊपर लगी हुई। ओके ठीक है, चार सीसी लगी हुई है। और इसका नाम बताइए क्या नाम? हिटलर नाम है इस, ठीक है, मतलब। और एज कितनी होगी इसकी? एज हो गया जी ये तकरीबन 20 महीने के करीब का, 18 महीने से ऊपर, 18 मंथ के ऊपर। ओके ठीक है, ओके ठीक है। और एक और फीमेल आ गई गाइस, ये फीमेल है? ये फीमेल है जी। ओके सो अभी प्रेग्नेंट है। ओके ओके ओके, ये भी नहीं पा रहे इसको प्रेगनेंसी के कारण। ओके ठीक है, मतलब ब्लॉजम है अपनी। ओके ठीक है, क्या नाम है इसका? ब्लॉजम। ब्लॉजम गुड गुड। इसकी एज बताइए कितनी है? ये तकरीबन हो गई जी दो साल के। ओके दो साल के करीब होगी। वर्ड में डिस्क्राइब करूं तो इश्क, इश्क हाँ वो ही है ना, इश्क है, इश्क है लाइक प्यारा डॉग। मतलब आपने आई कैचिंग तो है ही है, लवेबल है, साथ में रखने के लिए बढ़िया है, कंपेनियन डॉग बहुत बढ़िया है, आपकी बात को इतनी जल्दी फॉलो करता है। ओके और हाँ ये अग्रेसिव बिल्कुल नहीं है। ओके अग्रेसिव नहीं, बिल्कुल नहीं है। अपने फैमिली में रखना, अपने बच्चों में रखना है। अगर हम लोग शो में जाते हैं, मैं जर्मन शेफर्ड भी लेके जाता हूँ, लैब भी लेके जाता हूँ, हस्की भी लेकर जाते हैं, चाओ चाओ भी लेके जाता हूँ। ओके, सेंट बर्नार्ड भी लेके जाता हूँ, लेकिन सबसे ज्यादा जो फोटो करवाते हैं लड़के लड़कियां वो इसके साथ। ओके, ये मतलब एक मुझे भी गाइस ये भी मेरी भी फेवरेट ब्रीड ही मालूम है। ग्रूमिंग शब्द सुन के ना मतलब लोग डर जाते हैं, अरे यार दो डेली ग्रूमर के पास जाना पड़ेगा। ओके कुछ नहीं, ओके कोई भी ब्रीड ले लो आप, ये ले लो, लैब ले लो, गोल्डन रिट्रीवर ले लो, चाओ चाओ ले लो, अगर 10 मिनट आप नहीं कॉम कर सकते तो आप डॉग कोई भी नहीं। ओके ठीक, अच्छा कोई भी नहीं रखना, मतलब टाइम चाहिए इनको भी, लाइक हम भी जैसे हम भी मिरर के सामने बाल वगैरह सेट करते हैं, इनके भी केयर चाहिए। ठीक है,
सो गाइस इधर आ गए क्यूट क्यूट से साइबेरियन हस्की, आप देख सकते हो। ओए 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 ओए, बड़ी प्लेफुल ब्रीड है। ओए ओए ओए, देख लो। सो भैया हेक्टर के बारे में बताइए, लाइक हेक्टर कौन है, हु इज हेक्टर? हेक्टर को अभी तो ये लोग चैंपियन के तौर पे जानते हैं। ओके, एक्चुअल में ये अमेरिका इम्पोर्ट, इसके फादर अमेरिका से इम्पोर्ट हुए थे, वो इंडिया के चैंपियन थे, तो हमने ये पप्पी खरीदा उनसे, ये उसका ब्लड हमारे पास आया, तो इस पे मेहनत करके इसको चैंपियन बनाया। अभी ये कई सीजन है जो है, ओके ठीक है, जो भी बेस्ट ऑफ ब्रीड ग्रुप में फर्स्ट सेकंड थर्ड लगता आ रहा है। ओके ठीक है, सभी शो में हम हेक्टर को सभी शो में मैं ऑलमोस्ट मिला हूँ, और हर शो में विन कर, हर शो में विन कर रहे, लाइक जितने भी शो गए मैंने इस साल के लगाए, और पिछले साल भी आप लेकर जाते हैं हेक्टर को। पिछले साल तो ऐसा था ना, पहले कोविड के कारण शो, ओके ठीक है, जब हुए तो इक्का दुक्का शो हुआ बस। ओके ठीक है, लाइक मतलब इस साल से हम मान कर चले, इससे पहले लॉकडाउन से पहले ये चैंपियन था। ओके, लॉकडाउन से पहले ये चैंपियन था, अब भी चैंपियन है, ठीक है। मतलब बीच में लॉकडाउन का फर्क जरूर, बताइए कितनी होंगी सीसी? तो गिनती नहीं होगी। ओके, आपने गिने ही नहीं है सीसी? ओके ठीक है, तकरीबन ऐसा होगा 20-25 सर्टिफिकेट फ्रेम कराए होंगे, उसके बाद चैंपियन क्लास में सीधा लड़ता है। ओके, अच्छा सीधा चैंपियन क्लास में, ओके ठीक है ठीक है ठीक है। लाइक है ना, हस्की का एक मैं फैक्ट बताना चाहता हूँ, हाउल करते हैं ये, जब ये खुश होते हैं तभी हाउल करते हैं ना? नहीं, ये खुश या दुखी दोनों में करते हैं। ओके, एक नहीं करेंगे अगर आप किसकी पहली बार में बात समझ लोगे। ओके, ये बोल के बताते हैं। ओके ठीक है, जैसे हम शो में लिखे जाते हैं इनको, तो शो में हम ट्रैवलिंग करवाने होते हैं तो खाना कम देते हैं, खाना नहीं दे के लेते। ओके ठीक है, वहाँ पे जाके इनको थोड़ा थोड़ा खाना मिलता है, तो इनको प्रॉपर फीड नहीं मिलती, क्योंकि हमें शो में भगाना होता है, दिखाना होता है, भगाने के लिए अगर पेट भरा होगा तो ये भागेंगे नहीं। ओके, तो इनको लिमिटेड मिलता है, बिल्कुल कम। ओके, तो ये ऐसे करेगा कि मेरे को खाना दो, चाहे इसको एक बिस्किट दे दो, फिर चुप कर जाएगा घंटा। ओके, फिर ये करेगा, मांगता है, आप उसके साथ टाइम स्पेंड करोगे तो आपके आपको इसकी बात समझ आएगी। मतलब बॉन्डिंग अच्छी सी, लाइक भैया लाइक मैंने क्वेश्चन क्लियर करना, लाइक यार हस्की भाग जाते हैं कहते हैं, मतलब मेरी ऑडियंस की भी क्वेश्चन है कि लाइक अगर है ना गेट खुला होगा घर के बाहर, कहते भाग जाते हैं, मतलब अगर उनके पीछे जाओगे फिर वो आगे भागेंगे, फिर वो आगे भागेंगे, ऐसा सीन होता है। ये वर्किंग ब्रीड है, ये वहाँ बर्फ में, okay. ये वर्किंग ब्रीड है, बर्फ में ये जो ट्रॉलीज होती थी, बग्गीज होती थी, ट्रैवलिंग के लिए लोग बैठ के ये उनको खींचने के स्नेचिंग के काम आते थे। ओके, okay. तो अब वो ब्रीड को हम घर पे ले आके एक बरंडे में थोड़ा छोड़ देंगे तो इनका तो खून क्या करेगा? ओके, जीन्स जेनेटिक के लिए वो मांगेगा कि मेरी एक्सरसाइज करवाओ। ओके, हम लोग करवाते नहीं, लाइक ये कमांड कहते सुनते हैं कि नहीं? कमांड बिल्कुल सुनते हैं। ओके, छोड़ दो। ओके, देख लो अभी। ओके, सो गाइस इसको छोड़ दिया है, देख लो, ऑफली छोड़ दिया इसको, देख लो। ओके ओके, आप कॉल करो। इसका टाइम क्या है अभी? बाहर का प्रैक्टिस का, ये अपने ट्रेनर को ढूंढ रहा है अभी, ये शिशु को देगा। ओके ठीक है ठीक है ठीक है, वो देगा अपने ट्रेनर को ढूंढ रहा है कि मेरे को बाहर लेकर। ओके, हमें मालूम है कि इसकी कम से कम 2-2.5 घंटे तो इसकी रनिंग, ओके, तकरीबन 2 किलोमीटर के करीब, 2-2 किलोमीटर इसकी रनिंग और 2 किलोमीटर के करीब वॉक होनी चाहिए, तब ये आराम से आके अंदर बैठ जाएगा। ओके ठीक है, नहीं कुछ नहीं करेगा। ओके ठीक, अगर ये हेक्टर, ओए 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 ओए, देख लो काफी ज्यादा प्यारा है। गुड बॉय। ओके ठीक है, मतलब काफी ज्यादा प्यारा है। लाइक भैया एक और क्वेश्चन है, ये देख लो इसकी आईज, एक तो ब्लू है और एक ब्राउन है जी, ये क्या ब्यूटी है भाई इसकी, यही तो ब्यूटी। ओके ठीक है, लाइक साइबेरियन हस्की ज्यादातर ब्लू आईज में आते हैं सर, वो ट्रेंड चला है अपने लोग। Okay. अपने लोग ये ब्लू आईज चला है या नहीं चला, ये वो बात करेंगे जिन्होंने कुत्ता बेच लिया। ओके ठीक है, कि मैं भाई आजकल ब्लू आईज, लोग ब्लू आईज मांगेंगे, ब्रीडर बोलेगा कि ब्लू आईज है तो ये महंगा है। ओके, तो वो ट्रेंड में आ गया कि ब्लू आईज। अब मेरे बच्चे जो जाते हैं वो साउथ में ज्यादा जाते हैं। ओके, और वो पहले डिमांड करेंगे कि ऑड आईज चाहिए। ठीक है, इसकी ब्यूटी ही ऑड आईज के कारण है। जब मैं तकरीबन मैंने इनको पिक्चर्स में देखा होगा 10 साल पहले, 12 साल पहले, तो जब मैं इनको देखता था तो इनकी ऑड आईज के कारण ही मैं अट्रैक्ट हुआ था। ओके ठीक है, तो पिक्चर मेरे पास आज भी होगी। ओके, तो मैंने ऑड आईज के कारण ही, मैंने ये इसीलिए लिया था। ओके, उनके पास ब्लू आईज भी थे तो। ओके ठीक है, लाइक ये इनमें ऐसे भी होते हैं कि ये मतलब है तो ब्रीड स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग, कई बार ऐसे ही तो नहीं है कि मतलब फॉल्ट तो नहीं माना जाता है डिफॉल्ट, लाइक फॉल्ट होता तो चैंपियन कैसे? ओके नहीं, हाँ मैं वही लाइक सिंपल बात। ओके लाइक है ना, कई कहते हैं ना जो ऑड आईज में आते हैं कि मतलब पसंद नहीं आता, वो नहीं होता, लाइक एज अ ब्रीडर एक
पहले एक धारणा बना दी लोगों के दिमाग में कि दूसरा कुत्ता 2 रुपए का है और ये ब्लू आइज है वो 3 रुपए का है। ओके, ऐसे कर दिया गया। ओके, तो लोगों के दिमाग में बह गया ब्लू आइज लेना। ओके ठीक है, जैसे एप्पल ने अपनी लाइक ये तो थिंग्स नहीं है, ये तो है ना मतलब प्यार है, ब्यूटी है, प्यार है, मतलब डॉग्स तो सभी प्यारे होते हैं। मैं तो वही कहना चाहूंगा लाइक अगर जिन्होंने मतलब डॉग्स रखना है मतलब लाइक अफोर्ड नहीं कर पा रहे बट वो स्ट्रीट डॉग्स को अडॉप्ट कर ले, वही है लाइक प्यार है। ये देख लो मतलब कितना ज्यादा प्यारा है हेक्टर, देख लो इसकी आईज, मुझे तो ब्लू आईज और इसकी ये भी काफी ज्यादा प्यारा लग रहा है। इस देख लो मतलब काफी ज्यादा प्यारा बच्चा है, चेक कर सकते हो। तेरे साथ खेलता है फुल एक्टिव, तेरे फेवरेट ब्रीड बता कौन सी है तेरी? मेरी समोइड। समोइड, समोइड मतलब कल वाले शो में समोइड को हैंडल लगी इसने। ओके अच्छा, कल मैं गाइस मुझसे मिस हो गया था, कोटपुरा में था शो, कल मैं नहीं गया बट देख लो काफी ज्यादा प्यारा है। ये जी अपना प्ले ग्राउंड है डॉग्स के लिए बनाया हुआ। ओके ठीक है, जो हम शो में लेके जाते हैं तो उसकी प्रैक्टिस ये कराते हैं। ओके ठीक है रोहित, ये हैंडलर हैं ये। ओके ठीक है, बैंगलोर से। ओके ठीक है, मतलब इधर प्रॉपर शो की ट्रेनिंग इधर ही होती है, सभी डॉग्स की होती है। ठीक है लाइक देख लो गाइस इधर प्रॉपर, मैं अभी आपको दिखाता हूँ प्रॉपर प्रैक्टिस इधर होती है, चेक कर सकते हो लाइक ये शो में। भैया ये ट्रेनर आगे देख लो, तो भैया कितने राउंड लगवा देते हो? 10 राउंड लगवा देते हो। ठीक है लाइक इसके इनके लिए जरूरी है ना, वर्किंग ब्रीड आ गई हस्की, आप चेक कर सकते हो। ये देख लो ये प्रॉपर राउंड कर लगा रहे हैं। और लाइक आपको कितना टाइम हो गया शो ट्रेनिंग करते हुए? हो गया 5-6 साल 5 इयर्स 5 इयर्स। ओके ठीक है, देख सकते हो काफी ज्यादा प्यारा बच्चा है। ये देख लो इधर प्रॉपर दिखेगा आपको, इधर आप इसकी प्रैक्टिस स्टार्ट कर दी है, मतलब हर रोज यही शेड्यूल होता है? नहीं नहीं, ये खेलते हैं सुबह शाम, खेलना इनका शेड्यूल है। ओके ठीक है, ये प्रैक्टिस मतलब दोपहर में, क्योंकि वहाँ पे भी शो में जाएंगे तो डूब में लगे। ओके ठीक कराते हैं। ठीक है, 1 किलोमीटर उनका वॉकिंग होती है, वॉकिंग होती है। ठीक है, क्योंकि उसका वॉकिंग में उसका ओ होती है, एक्सरसाइज हो जाती है। ठीक है, फिर हम दोपहर को इनको ट्रेनिंग पे। ओके दोपहर को। ओके ठीक है, मतलब प्रॉपर इनका चलता है। तो आओ आपको अपना कैनल दिखाता हूँ। ओके ठीक है, सो गाइस आपको बता देना चाहता हूँ, इधर देख सकते हो मतलब प्रॉपर। तो भैया कैनल सेटअप बताइए कि कितना मतलब क्या एरिया होएगा कैनल सेटअप का? 1 एकड़ के करीब रहेगा मेरे पास। ओके 1 एकड़ के करीब। ओके ठीक है, ओके ठीक है, इधर देख सकते हो गाइस ये प्रॉपर कैनल आ गया, चेक कर सकते हो प्यारे प्यारे डॉग्स आ गए, इधर देख लो फुली एक्साइटेड, नए बंदे को देखकर फुल एक्साइटेड हो गए थे। अग्रेसिव तो नहीं है भैया? यहाँ से स्टार्ट करते हैं गोल्डन रिट्रीवर अपने। ओके ये अपना ब्रूनो है। ओके तकरीबन 11 महीने का हो गया। सो गए ये गोल्डन रिट्रीवर, एंट बर्नार्ड आ गए, इधर समोइड, उधर हस्की, साइबेरियन हस्की, जर्मन शेफर्ड, अमेरिकन कीता, जर्मन शेफर्ड, लैब्राडोर, जर्मन शेफर्ड, काफी ज्यादा डॉग ब्रीड्स है आपको देखने। कोको। ओके गोल्डन रिट्रीवर। ओके ठीक है, ये तकरीबन अभी 3 साल के ऊपर हो गई है। ओके 3 साल के ऊपर हो गई है, शुरू से ही जैसे मेरे कैनल पे आई है बच्ची। ओके ठीक है, मतलब शुरू से ही नॉटी ब्रीड है, बहुत प्यारी, मेरे दिल के बहुत करीब है। ओके ठीक है, ये मतलब सनी सिक्को लाइन की है। ओके ब्लू का बच्चा उनकी बच्ची है। ओके ठीक है, तो 3-3.5 साल में 1 ही लीटर लिया है हमने इससे। ओके ठीक है, और ये इसका बेटा है। ओके ये इधर ब्रूनो, तो देखो डार्क टोन कैसा है। ओके ठीक है, लाइक हम कंपैरिजन कर हम बताना चाहेंगे ऑडियंस को, ये डार्क कलर में आ गया, ये 10 महीने का हो गया जी। ओके ये 10 महीने का हो गया, अभी 2 महीने बाद इसका देखते हैं। ओके ठीक है, फुल चल रही है। ओके शो की प्रेपरेशन चल रही है। ओके ये भी जा रही है, काफी ज्यादा प्यारी गोल्डन रिट्रीवर है, देख सकते हो गाइस। गोल्डन रिट्रीवर के एक्सप्लेन करने की कोई बात नहीं है, लाइक सिर्फ एक ही चीज देखते हैं कि गोल्डन रिट्रीवर का कोट कैसा है। कोट कैसा है? आपको एक कोट तो आप देख ही रहे हो। ओके सो गाइस कोट, इसका बोन स्ट्रक्चर देखो, बोन स्ट्रक्चर, पैर देखो, इसकी टांगे देखो, आपको ये मालूम पड़ेगा इसकी पूंछ की देखो कैसे है। ओके अगर इसका हेड साइज देखो, ये फीमेल है। ओके अच्छा ये फीमेल है। हाँ जी फीमेल है। ओके ठीक है फीमेल है इसकी, है ना, ये सारी जो चीज है ना ये इसको कुत्ते को बनाती है, शो क्वालिटी बोलते हैं। कई लोग कोट ही देख रहे होते हैं, ओके ठीक है, हाइट ही देख रहा होता है। ओके कलर ही देख रहा होता है। ओके कलर का ऐसा है कि ये
जो इसका कलर है इसके फादर का ओके भी इसके जिससे हमने मीट कराई थी उसका कलर भी यही था ओके अब बच्चा वो भी निकला ओके ठीक है लाइक वो तो जेनेटिकली है ऐसे नहीं होता कि मदर फादर के बट ग्रैंड पेरेंट्स के ऊपर भी कलर जा सकता है पीछे की 10 जनरेशन में से कोई भी ब्लड पिक कर सकती है जो आने वाली ओके ठीक है वो भी अपने नाना साइड के या अपने दादा साइड के उसको कोई नहीं बता ओके ठीक है होगा इसी तरह ना बड़ी ही ह्यूज ब्रीड हम कह सकते हैं भैया इसको ह्यूज कह सकते हैं इसको हाँ जी बिल्कुल लार्ज ब्रीड लार्ज ब्रीड है बहुत बड़ा टेडी बियर है हमारा ओके टेडी बियर है और सबसे बड़ी बात आप देख रहे हो कि ये है सेंट बर्नार्ड में फीमेल ओके ये फीमेल है क्या नाम होगा इसका प्यार प्यार का नाम है संतो संतो सेंट बर्नार्ड से संतो ओके इसका असली नाम है वेलवेट वेलवेट जो है वो वेलवेट की तरह था ओके और है भी मतलब जब छोटी थी तो मैंने जब इसको लिया ओके तो ये मेरी बड़ी प्यारी लग रही थी ओके इसका कोट वेलवेट की तरह था इसका नाम वेलवेट रख दिया ओके ठीक है अब ये अमेरिका इम्पोर्ट फादर मदर की बच्ची है ओके ठीक है और मेरे अकॉर्डिंगली इंडिया में ऐसी फीमेल अभी अब आपने देखी नहीं होगी ओके इतना बड़ा बोन स्ट्रक्चर इतना बड़ा हेड मैसिव हेड मैसिव हेड आप देख रहे हो कि सेंट बर्नार्ड कितनी बड़ी है ओके ठीक है लाइक है ना कई है ना मतलब भैया क्वेश्चन है सेंट बर्नार्ड के ऊपर कि खाते काफी ज्यादा ही ये तो है। ओके भाई देखो ये तकरीबन 80 किलो से ऊपर 90 किलो का ओके 80 केजी गाइस इसका वेट है चेक कर सकते हो वैसे 80 केजी होना चाहिए हाँ 80 केजी के करीब ही होना चाहिए ओके, बाकी अपने बोन स्ट्रक्चर पे भी होता है ओके ठीक है आपकी हड्डी खिला खिला के इतना मोटा भी ना कर दे कि टांगे भार ना उठाएं ओके और टांगे अगर स्ट्रांग है तो इसका भार 100 किलो पे भी हो सकता है ओके ठीक है ठीक है मतलब खाते हैं खाते हैं ये रॉयल ब्रीड है रॉयल लोग ही इनको रख सकते हैं रॉयल लोग क्योंकि 3-4 कुत्तों के जितना एक टाइम पे खाएगी ओके चाओचाओ की बात करें चाओचाओ में फेसेस काफी है चाइनीज रशियन थाईलैंड फेस ये क्या मतलब ये बताइए कि मतलब चाओचाओ में फेस कितने होते हैं लाइक हम बात करें फेस तो मेन तो दो ही ब्रीड्स हैं एक रशियन चाओचाओ है ओके चाइनीज ओरिजिन इनका चाइनीज है ओके ठीक है पहली सबसे पुरानी ब्रीड है डॉग्स में से ओके चाइना की ब्रीड है वहाँ के किंग इनको गार्डिंग पर्पस के लिए रखते थे तो बाद में इधर उधर ब्रीड होती रही तो रशियन ब्रीड भी आ गई ओके और जो है अभी ये 5 महीने का पप्पी है ओके 5 मंथ का पप्पी है आज ही का कल हुआ है ओके ठीक है ठीक है तो इसका ये BI है इसकी मदर इम्पोर्ट की बच्ची थी ओके तो ये हमारी घर की ब्रीडिंग है ये समझ लीजिए ओके ठीक है इसको हमने मतलब तैयार किया है अपने लिए रिटेन किया है ओके तो इसका एटीट्यूड देखिए एटीट्यूड फुल गाइस एटीट्यूड है लाइक हम नेचर की बात करें लाइक मेरे पास भी चाओचाओ है बट जो आपको ज्यादा नॉलेज है डॉग्स के बारे में एक थोड़ा सा आप बताइए इसके नेचर के बारे में सर ये फुल एटीट्यूड वाले कुत्ते हैं ओके है ना ऐसा नहीं है कि गली का कोई भी बंदा आके उठा के इसको गोदी में लुलू लुलू कर देगा तो ऐसा कुछ नहीं ओके ठीक है ये गार्डिंग पर्पस के लिए है ओके ठीक है एक अपने घर की अपनी टेरिटरी में किसी को बर्दाश्त नहीं करते ओके, ऐसा नहीं कि जो आएगा उसकी टांग पकड़ लेंगे या उसको खा जाएंगे लाइक इंडिपेंडेंट ब्रीड काफी शेफर्ड आ गए शेफर्ड देख लो ओए शेफर्ड 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 जर्मन शेफर्ड आ गए गाइस देख सकते हो काफी ज्यादा प्यारे और इधर हस्की भी आ गया ये देख लो काफी ज्यादा प्यारे हैं जर्मन शेफर्ड के बारे में बताओ लाइक आपको कितना लाइक शेफर्ड आप कब से रख रहे हैं शेफर्ड तो बचपन से शेफर्ड का शौकीन रहा हूँ ओके मतलब मेरी जो चॉइस है वो शॉर्ट कोट में है ओके आजकल लोगों को लॉन्ग कोट पसंद है ठीक है ये मेरे पास एक फीमेल थी पहले क्वीन ओके और ये मतलब कई बार शो में विन कर चुकी है ओके और ये टॉप ब्लड लाइन की ये फीमेल है ओके ठीक है एंगुलेशन वाली फुल लॉन्ग कोट में फुल लॉन्ग कोट में ठीक है तो इसकी मैंने मीटिंग कराई थी इंडिया चैंपियन से ओके तो उसका 1 लीटर हुआ था जिसमें 4 बच्चे थे ठीक है और 4 बच्चों में से 3 बच्चे कोई ऑस्ट्रेलिया थे भाई साहब आए थे उनको पसंद थे बोलेंगे और एक बच्चा मैंने खुद रिटेन किया है ये जो बच्ची है ये भी फीमेल है ओके वो भी ये अभी 6-6.5 महीने की होगी ओके ठीक है और एक फिर मैंने ब्लड लाइन और लाया था इस आप की लाइन से जो वर्ल्ड चैंपियन रहा है ठीक है वो जो घूम रही है वो उसकी ब्लड लाइन ओके सोता तकरीबन 5 महीने की ओके ठीक है तो ये तीनों अभी हमारे पास ओके ये एक ये जो फीमेल्स हैं ये थोड़ा शांत स्वभाव की फीमेल ठीक है और जो अग्रेसिव में दिखाए हैं वो अलग फीमेल्स हैं ओके वो अग्रेसिव है फुली वो शो मतलब में पूरा ये क्वीन है पूरी शाही और फैमिली फीमेल है ओके ठीक है ना और हमारे पास 2 स्टड हैं
ओके जर्मन शेफर्ड की, ठीक है। एक बोलू है जो अभी रेडी हो रहा है तकरीबन, ओके हो गया जो आपने पहले दिखाया था, ओके। एक सुल्तान है जिसको हम दिखाएंगे लॉन्ग कोट में, ओके ठीक है ठीक है ओके। सो गाइस लगता है मुझे ना फिर से आना पड़ेगा शेफर्ड की कवर करने, स्पेशल शेफर्ड की ऊपर प्रॉपर वीडियो, एग्जैक्ट प्रॉपर नॉलेज होती है। लाइक अभी अंधेरा हो रहा है तो इसलिए हम लाइक शेफर्ड का तो हम बात करेंगे पूरी डिटेल में, बाद में वीडियो आएगी वो भी चेक करना लाइक। और अब कौन सा डॉग दिखाओगे हमें? अब आपको मैं अपने लैब के स्टड दिखा देता हूँ, जर्मन शेफर्ड का स्टड दिखा देता हूँ। ओके ठीक है, जर्मन ये फीमेल्स कह रहे हो आप? इधर आ गया शेफर्ड, ये जर्मन शेफर्ड मेल है? ये मेल है जी अपना, ओके। तकरीबन 2 साल के करीब का हो चला, ओके ठीक है। ये लेकिन इसका बचपना नहीं, अभी बचपना नहीं गया इसका, ठीक है। ये सुल्तान है, स्टड है जी, ओके सुल्तान। सुल्तान लाइक व्हाट अ कोइंसिडेंस गाइस, मेरे पास भी सुल्तान, ये इधर शेफर्ड भी सुल्तान, देख लो गाइस ये सुल्तान आ गया और उधर आ गया लैब्राडोर, वो फुली एक्साइटेड लग रहा है, ये हमेशा ही एनर्जी में फुली रहते हैं। ओके ठीक है, ये एनर्जी में सारी रहते हैं, ठीक है ऑस्कर। ओके इसका नाम है ऑस्कर, ऑस्कर गाइस चेक कर सकते हो ऑस्कर काफी। ओके ठीक है, बॉल के लिए क्रेजी है, मैड है बॉल के लिए गाइस, हर डॉग बॉल के लिए मैड ही होते हैं गाइस, मतलब काफी ज्यादा वो देख लो। तो भैया लैब्राडोर के बारे में एक्सप्लेन करने की तो कोई बात ही नहीं, सभी डॉग के सभी डॉग लवर्स को पता है कि ब्रीड के बारे में पता है कितनी लविंग ब्रीड। इधर ना क्यूट सा बेल्जियम शेफर्ड आ गया, चेक कर सकते हो, ये काफी ज्यादा प्यारा बच्चा है। और ये फीमेल है कि मेल है? ये फीमेल है, ओके 7 मंथ की, ओके। एक्चुअली इंडिया में ये बहुत रेयर है, रेयर ब्रीड है, मैंने भी वो ही कह रहा हूँ, रेयर ब्रीड काफी ज्यादा। अभी ऑलरेडी इसको 4 CC लग गया है, ओके 4 CC लग गया है, 4 CC ये चैंपियन हो गए, चैंपियन। ओके अभी 6 मंथ में गाइस फीमेल है ये, 7 मंथ में ये चैंपियन हो गई है, देख लो ये है जर्मन लाइन, ओके ओके इसका जर्मन लाइन है, ओके ठीक है। एक मैं एक क्वेश्चन पूछना है, ये व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन जर्मन शेफर्ड और बेल्जियम शेफर्ड? एक्चुअली नॉट ओनली डिफरेंस, ओनली फॉर स्मॉल डिफरेंस, जर्मन शेफर्ड इज हेड मजल, जर्मन शेफर्ड एंड बेल्जियम शेफर्ड इज सेम टू सेम, ओके लाइक ग्रैंड कजिन ब्रदर सिस्टर, ओके कजिन ब्रदर सिस्टर, ओके ठीक है। लाइक ऐसे नहीं है कि मतलब कोई पर्टिकुलर डिफरेंस नहीं है। जर्मन शेफर्ड जब आए थे, जर्मन शेफर्ड आपने शायद नाम सुना होंगे बेल्जियम मेलेनिया, हाँ बेल्जियम मेलेनिया, इन दोनों का मिक्स है बेल्जियम शेफर्ड। इधर आगे अमेरिकन अकीता आप चेक कर सकते हो, काफी ज्यादा मतलब अग्रेसिव ब्रीड है भैया? नो, दिस इज ऑलवेज फ्रेंडली ब्रीड है, ठीक है। लाइक कोई भी डॉग एग्रेसिव नहीं, नहीं वो तो है, कोई भी डॉग एग्रेसिव नहीं होता, डॉग एकदम फ्रेंडली है, ओके ठीक है। बाकी ओनर के ऊपर भी होता है कि सोशलाइज करना काफी ज्यादा जरूरी है। लाइक अगर इसके लाइन के बारे में बताओ कि कौन सी है? एक्चुअली अमेरिकन लाइन है, अमेरिकन लाइन है, ठीक है। बोथ साइड ऑफ इंपोर्ट, ओके बोथ साइड इंपोर्ट। मदर फादर कौन होंगे इनके? इसका फादर का कुलबीर कहना से लेके आप लिख कर आए थे, ठीक है। इसका मदर फादर वो स्मोकी था, इसका फादर, ओके अब वो डेथ है, ओके। स्मोकी लाइक फेमस काफी है डॉग, मैंने भी सुना हूँ अमेरिकन, अमेरिकन की स्मोकी था, ओके स्मोकी था फर्स्ट, इसका फादर साहब वो उसकी डेथ हो गई है, ओके ठीक है उसकी डेथ हो गई, ठीक है। लाइक काफी ज्यादा सही है, अग्रेसिव आप कह रहे हो कि अग्रेसिव है नहीं ब्रीड ये हमारा, ओके ठीक है, मतलब फ्रेंडली है, कर सकते हो उसके साथ, ओके देख सकते हो काफी मेल है, कितना हैवी हैवी है, ठीक ओके ठीक कम मिलता है, ओके ठीक है ठीक है ठीक है, देख सकते हो मतलब काफी ज्यादा सही है। ये देख लो प्यार कर, तेरे साथ फ्रेंडली है, तेरे साथ फ्रेंडली है, फैमिली मेंबर्स जो होते हैं 4-5 जाने, ये सबके साथ फ्रेंडली, ओके 4-5 जन, मतलब जैसे ये हो गए जो हम इनसे डेली मिलते हैं उनके साथ फुल फ्रेंड, फुल फ्रेंड साथ कुछ नहीं करेगा, लेकिन बाहर वाला कोई आए, मतलब जैसे मैं बैठा हूँ या फादर बैठे हैं मेरे, कोई और जन आए तो हमारे साथ बातें करे कुछ नहीं, अगर वो हमारे साथ लड़े या फिर कुछ बोले ओके, तो फिर अपने नेचर पर वो ही है ना, लाइक डॉग जो होता है मालिक के ऊपर अगर शाउट करोगे वो प्रोटेक्शन, अगर प्रोटेक्शन ही नहीं दिखाएगा फिर क्या फायदा, कि अगर अपने मालिक को प्रोटेक्ट ही नहीं करेगा फिर वो डॉग लाइक ये 90-100 kg का डॉग है, ऑलमोस्ट 1 क्विंटल का डॉग है ये, ओके
इतना भार का डॉग अगर किसी के ऊपर भी बैठ जाए वो तो गया। तेरे ऊपर बैठा लगता है। मैं तो 90 kg का डॉग है, मेरा खुद का वेट 45 kg है, अगर ये मेरे ऊपर बैठ गया तो मैं तो गया गया। वो भी है, इतने भारी डॉग के सामने कोई आप किसी के ऑनर को कुछ कह भी नहीं सकता। हिम्मत नहीं होती बंदे की, बंदे की हिम्मत नहीं हो रही, लाइक मेरी भी नहीं हो रही। मैं लाइक मैं इनके सामने खड़ा हूँ गाइस, मुझे लगता है लाइक काफी ज्यादा फेस के कारण भी थोड़ा सा डर लग रहा है मुझे भी काफी ज्यादा, मतलब। सो गाइस, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कीजिए, और क्या कीजिए चैनल को, क्या करिए सब्सक्राइब। ओके ठीक है, चैनल को गाइस कर देना सब्सक्राइब।